टमाटर की बात किया तो टमाटर के ग्राहक कम हुए हैं? बिल्कुल कम हुए हैं। 100 में से 20% 50% बिक्री कम हो चुकी है। 50% भैया कह रहे कि एक ही दो लोग आते पूरे दिन में टमाटर, मतलब 50% आदमी खरीद रहा है कुल मिलाकर। अच्छा, कम लोग खरीद रहे हैं। और महंगाई की सबसे महंगा क्या है इसमें? अदरक ही है क्या कुछ महंगा? अदरक मिर्च का है सब दे रहे हैं 60 रुपये किलो 60। और बैंगन वगैरह ये सब सस्ते हो गए हैं, सस्ते 20 रुपये किलो। टमाटर नहीं बेच रहे? टमाटर में बैंड बज रही है, क्या करें है? टमाटर बहुत मद्दा चल रहा। अच्छा मद्दा चल रहा है, टमाटर बेच रहे हैं आप तो। हाँ, क्या करें? लोग कह रहे हैं कि ये सोना है। सोना वो तो देखो, जिसको चाहिए वो ले जा रहे हैं, जिसको नहीं चाहिए वो नहीं ले रहे हैं। तो क्या हिसाब दे रहे हैं टमाटर भाई? अभी तो 140 तो, मतलब जो ज़्यादा लेता है उसको 140, कम लेता है 250 ग्राम उसके लिए 40 का है। अच्छा बात। हाँ तो जैसे अपने यहाँ की फसल नहीं है, बाहर से फसल है, पानी के बारिश के चक्कर में माल आ नहीं रहा तो जो चक्कर हो रहा है। अब जो बेंगलोर का टमाटर है, बेंगलोर से झांसी आता है तब वो डबरा पा रहा है। अच्छा। और जो अपनी फसल जो आई ना तो उसमें नौ देवी के से अपनी डबरा की फसल चालू हो जाती है। हाँ। उस चक्कर वो नहीं फसल सस्ता होगा, तब सस्ता हुआ जब किसानों का आ जाएगा तब। हाँ। सस्ता होगा। अब तो यहाँ पे बात की जाए तो किसकी हवा लग रही है? हवा तो देखो सबकी है, सबकी है, सबकी हवा है। ज़्यादा हवा किसकी है? मैं आपसे अच्छा मैं खुल के पूछ ले रहा हूँ, आप ये बताइएगा कि चुनाव में बीजेपी देखना पसंद करेंगे या कांग्रेस? हमारे लिए दोनों पार्टी सब अच्छी हैं। दोनों अच्छी हैं, दोनों अच्छी पार्टी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रभास। अच्छा आलू वगैरह आप बेच रहे हैं, आलू का क्या रेट चल रहा है? आलू वही 20-25। अच्छा और सब्जी की महंगाई की बात की जाए तो यहाँ के लोगों का मानना है कि महंगाई है यहाँ पे सब्जी? महंगाई तो है कुछ कुछ ज़्यादा ही, टमाटरों में महंगाई है। अच्छा टमाटर का मुद्दा आ गया, टमाटर का कितना रेट है? टमाटर है 200 के करीब। 200 इतना महंगा? फिर आप लोग जैसे आप लोग दुकानदार हैं, आप लोग कैसे खरीदते इतना महंगा? हम जैसे मंडी से आधा भाव आता है, 3000 की ग्रेड है, 3500 की ग्रेड है, अब उसी हिसाब से सड़ा भी करता है उसमें। अच्छा, उसी हिसाब से बेचते हैं। अच्छा जैसे बात की जाए तो टमाटर के ग्राहक कम भी हुए हैं थोड़े बहुत? बहुत ज़्यादा कम हुए, इक्का दुक्का ग्राहक आते हैं ज़्यादा, इक्का दुक्का। हाँ। तो टमाटर कम भी खरीदना पड़ता होगा? हाँ कम खरीद। अच्छा क्रेट से कम नहीं मिलता, जैसे आप 5 किलो 6 किलो लेना चाहो? जो फुटकर व्यापारी होते हैं वो कम दे देते हैं, और जो थोक वाले तो क्रेट देते हैं। जैसे आप लोग अगर पूरी क्रेट ले लो तो बिक भी नहीं पाते? नहीं पूरी क्रेट नहीं बिक पाती। तो बात की जाए यहाँ का चुनावी माहौल क्या लग रहा है? चुनावी माहौल बताइए अब क्या है, बहुत समस्याएं यहाँ तो डबरा के अंदर। अच्छा सड़कों की सड़क से आए, पानी की समस्या है। अच्छा पाइपलाइन की समस्या है, बहुत समस्या है यहाँ पे, सीवर की समस्या है। किसका माहौल लग रहा है यहाँ? हवा किसकी चल रही है? हवा क्या बता सकते हैं, अभी तो कांग्रेस सरकार है, हमें कांग्रेस के विधायक है, अब देखते हैं इसका कौन हो सकता है, बीजेपी का हो सकता है। सरकार बीजेपी की है, विधायक कांग्रेस? हाँ विधायक कांग्रेस का है। अच्छा कारोबार नहीं कर रहे क्या? कारोबार नहीं, कार्य नहीं कर रहे हैं, विकास नहीं हो रहा? कोई विकास नहीं है, देखो देख तो रहे रोड पर पानी भरा है, गड्ढे खोदे हैं, नाना लग के व्यवस्था है डंकी। तो एमपी की बात की जाए तो एमपी में आप क्या देखना चाहते हैं? एमपी में विकास ही चाहिए सबको, हर चीज विकास चाहिए और क्या है। सरकार की बात की जाए कुछ दिन बाद चुनाव है तो हवा किसकी चल रही है? अब तो हवा तो समय देख के बताना पड़ेगा, हवा तो सबकी चलती है। यहाँ पे चर्चा वगैरह हो रही होगी? वो तो सरदार खैर कांग्रेस की भी है, बीजेपी की भी है, दोनों है, 50-50 चांसेस है, 50-50 है, किसी की भी आ सकती है। हाँ हो सकता है कि कांग्रेस भी आए। स्थानीय मुद्दे की बात की जाए यहाँ के जो जिन जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा आप बता रहे, रोड वगैरह यही होंगे और क्या, यही मुद्दे है, महंगाई का है, आपकी बाढ़ की समस्या है, जिला की समस्या है, तो यही मुद्दे रहेंगे और यही मुद्दे हैं और क्या है। अच्छा और बात की जाए कि जैसे आपके यहाँ लाडली बहना योजना वाले रुपये आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, सब क्या, इससे कुछ राहत है? राहत तो है, 1000 में मिलेंगे राहत, तो आगे बढ़ेंगे भी, पैसे बताते हैं। आपके घर खाना किस पे बनता है? खाने गैस पे। गैस पे और चूल्हे पर नहीं बनता? नहीं नहीं चूल्हे। गैस सिलेंडर कितने का भरवा रहे? वही गैस सिलेंडर 1800 वो, हाँ 1800 खरीद हुए गैस सिलेंडर कितने का? 1800 1200 का है। अच्छा भूल गए, कब भरवाया? मुझे नहीं मालूम, मैं थोड़ी हो, घरवाले भरवाते हैं। अच्छा घरवाले भरवाते हैं। हाँ तो आप यहाँ सुबह लगा लेते ये सब्जी का ठेला और शाम तक लगा? हाँ शाम तक। कितने बजे तक? 9 बजे तक। 9 बजे तक ठीक ठाक बिक्री हो जाती है? हाँ ठीक, बाजार खर्चा पानी निकल रहा है? बहुत डाउन बाजार है, डाउन है बाजार। हाँ अच्छा, महंगाई की वजह से लोग खरीदारी कम बहुत कम कर रहे हैं। टमाटर की तो बात ही छोड़ दो है, टमाटर ने तो हवा बिगाड़ रखी किचन की तो। क्या नाम है भैया? मेरा नाम छोटू कटिया। अच्छा क्या काम करते हैं आप? मैं सब्जी की रेट लगाता हूँ। अच्छा सब्जी की रेट लगाते हैं, ठीक ठाक बिक्री हो रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बाजार थोड़ा मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा चल रहा है, टमाटर 120 रुपए किलो है, मतलब सारी सब्जियाँ महंगी चल रही हैं। अच्छा टमाटर?
टमाटर का मुद्दा बहुत उठा रहे हैं, टमाटर का मुद्दा चल रहा है। अच्छा, टमाटर की कितने रुपए की क्रेट पड़ रही है आप? टमाटर की क्रेट अभी 3,500 रुपए, 3,500 रुपए, 3,300 रुपए के समथिंग चल रहा है। तो आप लोग जब टमाटर खरीदने जाते हैं तो पूरी क्रेट लेनी पड़ती है या फिर? अभी पहले 5-5, 10-10 क्रेट लाते थे, मुश्किल से 10 या 15 किलो, 8 किलो, 7 किलो ऐसे ला रहे हैं। अच्छा, पहले 8-8 क्रेट लाते थे? बिल्कुल बिल्कुल, अब केवल 8-8 किलो ला रहे हैं। बिल्कुल, तो 5-6 किलो मिल जाते हैं? हाँ बिल्कुल, मतलब महंगा मिलता है। अच्छा। क्रेट से भी ऊपर महंगा पड़ता है। अच्छा, क्रेट से ही महंगा पड़ता है। अगर एक क्रेट खरीदो तो वो पूरी बिक नहीं पाती? नहीं बिक पाती, महंगाई का मुद्दा चल रहा है, कोई ले नहीं रहा। अच्छा, आदमी 2 किलो लेता था, 250 ग्राम के करीब, 100 ग्राम। अच्छा, टमाटर की बात किया तो टमाटर के ग्राहक कम हुए हैं? बिल्कुल कम हुए हैं, 100 में से 20% 50% बिक्री कम हो चुकी है। 50% भैया कह रहे कि एक ही 2 लोग आते पूरे दिन में टमाटर, मतलब 50% आदमी खरीद रहा है कुल मिलाकर। बाजू है कम लोग खरीद रहे हैं। हाँ। और महंगाई की बात की जाए, आलू वगैरह की मत पूछो, महंगाई तो अपार है। अच्छा, अपार है। बात की जाए कि यहाँ पे माहौल किसका लग रहा है, चुनावी माहौल? चुनावी माहौल तो ऐसा है कि सब अपने अपने काम बताते हैं, सब अपने चुनाव आ जाते हैं तो सब आ जाते हैं, फिर वही वो। अच्छा, तो अभी किसकी लग रही है आपको कि मैं खुल के पूछ ले रहा हूँ? तो चुनाव का सर्वे अभी कुछ, मतलब यहाँ पे कोई अभी कोई ऐसी प्रक्रिया चल नहीं रही है कुल मिलाकर। हाँ, कार्यकर्ता लोग, नेता लोग आ नहीं रहे हैं वोट वोट मांगने? हाँ, अभी नहीं, अभी कोई नहीं, अभी नहीं आ रहे। हवा की जाए, हवा हवा की बात की जाए तो हवा किसकी चल रही है? हवा तो हमारे यहाँ मतलब अभी कांग्रेस की चल रही है ज्यादा। कांग्रेस की, कांग्रेस के लोग चर्चा कर रहे हैं? हाँ। बीजेपी के क्यों नहीं? बीजेपी का मतलब अभी आने वाले में और सर्वे हो जाएगा क्या है क्या नहीं है, अभी कांग्रेस की चर्चा चल रही है। अच्छा, तो ठीक ठाक बिक्री हो जाती है? लाडली बहना योजना के 1,000 रुपये आ रहे हैं? 1,000 रुपये हर खाते में घर पे। मम्मी क्या रहे हैं? हाँ। शादी होगी आपकी? अभी नहीं। अच्छा, अभी नहीं हुई है। पढ़ाई की है? पढ़ाई की है, 10th पास है। आगे क्यों नहीं की? आगे वही घर की स्थिति, परिस्थिति के चक्कर में नहीं, परिस्थिति। तो जैसे अब आपने यही कारोबार स्टार्ट कर दिया है सब्जी के लिए, ठीक ठाक बचत हो रही है? बचत क्या, महंगाई का मुद्दा चल रहा है, आदमी कम बिक्री हो गई है। अच्छा। 100 में से 50% बिक्री कम हो गई है कुल मिला के बाद जो है। तो ठीक ठाक आपका बस चल रहा है कुल मिला के बाद, सब कुछ गुजारा भत्ता चल रहा है कुल, गुजारा हो रहा है। चलिए, तो ओवरऑल आप देख रहे हैं कांग्रेस की हवा चल रही है? कांग्रेस की हवा भी चल रही है, और आने वाले समय में और सर्वे पता पड़ जाएगा क्या क्या नहीं है। चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अवतार है। अच्छा, टमाटर बेच रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि ये सोना है। सोना वो तो देखो, जिसको चाहिए वो ले जा रहे हैं, जिसको नहीं चाहिए वो नहीं ले रहे हैं। तो क्या हिसाब दे रहे हैं टमाटर भैया? अभी तो 140 तो मतलब जो ज़्यादा लेता है उसको 140, कम लेता है 250 ग्राम उसके लिए 40 का है। अच्छा, बात की जाए तो क्रेट वगैरह ले लेते होंगे आप हैं? नहीं तो क्रेट एक दो क्रेट तो लगती है, एक क्रेट। अच्छा। तो बेचता है अपने पास। ग्राहक कितने आते टमाटर के? वो तो 20% दुकानदारी बची है बस, 20% बस ओनली। इतना महंगा टमाटर ने रूप दिखा दिया है। टमाटर क्या है इस बार, टमाटर शुरू में क्या है, अभी तक आपने सबसे सस्ता टमाटर कब बेचा था? वही मई के महीने में बेचा है, 10 रुपये किलो। अच्छा। 8 रुपये किलो बस, 10 रुपये 8 किलो। आप देखो अब टमाटर 160 रुपये, वहीं से ऊपर से महंगा रहा है। बेंगलोर से टमाटर झांसी आता है, झांसी से जब डबरा आ रहा है, इस चक्कर में महंगा है। डबरा की बात की जाए, डबरा में किसका माहौल लग रहा है चुनाव का? चुनाव का माहौल तो अभी कुछ पता नहीं है, अभी चर्चा नहीं चल रही है। चर्चा किसी की? हवा की बात की जाए, हवा किसकी चल रही है? बात तो बीजेपी की चलेगी, बीजेपी की, बीजेपी की चलेगी। मामा जी की सरकार ठीक है? तो ठीक है, बस चल रहा है काम बस उनका। तो है। बात की जाए लाडली बहना योजना से, मामा सभी लोगों को 1,000 रुपये दे रहे हैं, लेडीज लोगों को? नहीं तो, तो आ रहे हैं वो स्कीम तो हमने ली भी नहीं है। क्यों नहीं? परेशान होना नहीं चाहते, काम धंधे लगे, कौन बेर बेर गाड़ी से जाता जाता रहेगा, इस चक्कर में वो स्कीम ली भी नहीं है। अच्छा, ली नहीं है? ले लेते तो 1,000 रुपये आपके हो जाते। क्या हो रहा है, 1,000 रुपये के चक्कर में चक्कर लगा दे, फिर काम धंधा करोगे उनके लिए चक्कर लगा, वो तो आप खुद की मेहनत पे भरोसा कर रहे हैं। बात की जाए जैसे यहाँ पे और सब्जियों पे क्या क्या महंगाई है? सब्जी तो सारी मद्दी हो रही है, तोरई है, बैंगन है, लौकी है। तोरई वगैरह का हिसाब है? तोरई लोग बोल रहे थे अभी 60 रुपये किलो चल रही है। 20 रुपये किलो चल रही है तोरई, बैंगन है, लौकी है, ये सभी सस्ते, ये मद्दा है। टमाटर, फूल गोभी है, अदरक है, इन पे महंगा है। अच्छा, गोभी 80 रुपये किलो है। फूल 80 रुपये किलो है? 80 रुपये किलो है। भैया को फूल दे दो आप। और ये बताओ जैसे बात की जाए जैसे फूल वूल, और कब लग रहा है आपको टमाटर कब सस्ता होगा? टमाटर 9 देवी के बाद सस्ता होगा। 9 देवी की बात? 9 देवी की। अच्छा, लग रहा है आपको? हाँ। तो जैसे अपने यहाँ की फसल नहीं है, बाहर से फसल है, पानी के बारिश के चक्कर में माल आ नहीं रहा, तो जो चक्कर हो रहा है अब जो बेंगलोर का टमाटर है, बेंगलोर से झांसी आता है तब वो डबरा आ पा रहा है। अच्छा। और जो अपनी फसल जो आएगी ना, तो उसमें 9 देवी के से अपनी डबरा की फसल चालू हो जाती है, उस चक्कर वो नहीं सस्ता होगा। सस्ता होगा जब किसानों का आ जाएगा तब। हाँ। सस्ता होगा।
अब जैसे अभी सब्जी आधी सब्जी इस टाइम पे ना मतलब 20% सब्जी बाहर से आ रही है। अच्छा। और जो तोरई है, ये बैंगन है, लौकी है, जो अपने लोकल की है, तो जो मद्दी है। अच्छा। जैसे एक बात और बताइए, जैसे आपने बात की है कि यहाँ की जो टमाटर है बेंगलोर से आ रहे हैं, तो किसानों का टमाटर कब मतलब नवरात्रि के बाद? नवरात्रि के बाद जो अपना लोकल का माल आ जाता है, धान आ जाती है, फसल आ जाती है, तो उस टाइम पे सारी फसलें आ जाती है अपने डबरा में। तो वो सब सब्जी किसान डबरा में, बात की जाए डबरा में विकास वगैरह ठीक हो रहा है? विकास तो नॉर्मल है, ठीक चल रहा है, वो तो काम चल रहा है, काम बस धीरे 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 काम चल रहा है। विकास का तो कुछ है नहीं है, बचा ही नहीं है विकास का। तो जैसे बात की जाए तो कितने की आमदनी आपकी हो जाती है डेली की? ठीक ठाक खर्चा चल रहा है, गुजारा चल रहा है, बस गुजारा चल रहा है। और सब्जी महंगी है तो इस टाइम पे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है आदमी खाने वाला। आलू की बात की जाए, आलू का हिसाब देते हैं? आलू तो 20 रुपए किलो है। अच्छा, 20 रुपए किलो। हाँ, 100 रुपए की पसेरी। 100 रुपए की पसेरी, मतलब थोक का रेट चलाते हैं आलू में। वैसे फुटकर में कोई 25 चला रहा है। लोग मिर्च की और बहुत चर्चा करते हैं, हरी मिर्च, वो का हिसाब दे रहे हैं? मिर्ची 80 रुपए किलो है। 80 रुपए किलो। हाँ। अच्छा, लोग कहते हैं 200-200 किलो है, 200-200 रुपया किलो है। वो तो जो बनाने वाले बना के भेज देते हैं। अच्छा, अपने पास वो काम नहीं है। अच्छा, आपके नॉर्मल जो प्राइस 80 रुपये है? 80 रुपये किलो। अच्छा, तो अपने यहाँ थोक का हिसाब किताब चलता है। अच्छा, अच्छा। फुटकर वाला कोई आता है खरीदने वाला, तो आप खुल के नहीं बता रहे, आपने चर्चा तो बहुत सारी कर ली, हवा किसकी चल रही है ये तो बता दो। मैंने तो जिस चीज में जानकारी नहीं है ना, अपने क्या अपने काम से मकाम मतलब रखते हैं। ऐसा चर्चा वगैरह नहीं होती है यहाँ आपस में, आप दुकानदार लोग चर्चा करते हैं? नहीं नहीं, अभी कोई ऐसा माहौल बना नहीं है ना चक्कर जी, ऐसा है अभी कोई माहौल भी कहीं भी ऐसा माहौल बना नहीं है अभी डबरा शहर का, क्या बीजेपी की का हो क्या कांग्रेस की का हो। हाँ, अभी तो चल रहा है, वो महीने दो महीने बाद ये निकलेगा रेजेंट का, कौन की चल रही है, कौन पॉपुलर है, कौन है जे है। चलिए ठीक है, कुछ नहीं मेरा कुछ नहीं। मेरा नाम जितेंद्र। अच्छा, तो ये बताइएगा कि आपका आप भी ठेले के जो सब्जी की रेडी लगाते हैं? मैं भी रेडी लगाता। अच्छा, क्या क्या महंगाई है सब्जियों में? सब्जियाँ तो ऐसी हैं कि रोज़ बढ़ना रोज़ घटना है। हाँ, दाम तो रोज़ घटते बढ़ते हैं, कुछ ज़मीन के ऊपर होती है, बाहर से होती है, कहीं बारिश होती है तो बह जाती है सब्जी वगैरह, कुछ तो कुछ हो जाता है अपने आप, बढ़ जाती घट जाती सब्जी तो रोज का भाव है। जैसे भैया बात और की जाए यहाँ के डबरा में, डबरा की क्या स्थिति है अभी? डबरा की विकास हो रहा है? विकास तो होता भी है नहीं भी होता, दोनों ही काम है। तो अपन तो क्या है, सब्जी वाले हैं, सुबह निकलते हैं शाम घर पहुँच जाते हैं, पता नहीं पड़ता। टमाटर बेचते हैं? सब बेचते हैं। टमाटर का हिसाब दे रहे हैं? अभी टमाटर नहीं बेचते हम, अभी प्याज बेचते हैं। अच्छा, प्याज 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 कितने रुपए किलो है अभी? प्याज आ रही है आपकी 10 रुपए किलो, 15 रुपए किलो बेचते हैं। हाँ। और थोक वाला आया तो 12 रुपए किलो तोल देते हैं। अच्छा, 12 रुपए किलो, मतलब ठीक ठाक, मतलब हो रही बिक्री? हो जाता है बाजार, तब चल जाए, ऊपर वाले के भरोसा होता है। बारिश वगैरह हो जाती है तो बाजार डाउन हो जाता होगा? नहीं, बारिश तो मैं तो रोज बारिश हो अच्छी बात है, बारिश से क्या होता है आदमी निकलते भी है घूमने के लिए भी। और धन्यवाद भैया। तो यहाँ पे बात की जाए तो किसकी हवा लग रही है? हवा तो देखो सबकी है, सबकी है, सबकी हवा है। ज़्यादा हवा किसकी है? मैं आपसे अच्छा मैं खुल के पूछ ले रहा हूँ, आप ये बताइएगा कि चुनाव में बीजेपी देखना पसंद करेंगे या कांग्रेस? हमारे लिए दोनों पार्टी सब अच्छी हैं। दोनों अच्छी हैं, दोनों अच्छी पार्टी। मामा जी के लाडली बहना योजना के 1000 रुपये आ रहे हैं? सब आते हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? आप पारा में सब आ रहे हैं। अच्छा, उससे कुछ राहत वगैरह? सब राहत मिलती है, क्यों नहीं मिलती है? अच्छा, अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक बात और कीजिए, आपके घर पे खाना किस पर बनता है, मिट्टी वाले चूल्हे पर, गैस सिलेंडर? गैस पे। गैस पे बन रहा है। सिलेंडर कितने का बना रहे हैं? आपको तो पता होगा कितने का? बताओ, आपको तो मालूम होगा ना, बताओ आपको ऐसा आपको पता है। आपके डबरा में कितना चल रहा है? कोई 1200 रुपये का? 1200। अच्छा, कोई जैसे अभी प्रियंका गांधी की रैली हुई थी ग्वालियर में, तो उन्होंने वादे किए 500 का सिलेंडर देंगे, 1500 रुपये देंगे, बहुत सारी चर्चा की उन्होंने, बिजली का बिल मतलब हाफ करेंगे ऐसा। भैया अपन को तो क्या है, राजनीति दूर रहती है, अपन धंधे वाले आदमी हैं, इन चीज़ों अपन क्या वो नहीं करते, अपन धंधे वाले आदमी हैं, सुबह से शाम निकल जाते पता नहीं पड़ता। अच्छा, तो आप लोग यहाँ रेडी वगैरह लगाते हैं, इसका टैक्स वैक्स भी देना पड़ता है आप लोगों को? नहीं, अभी तो कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं, सिर्फ सरकारी पर्ची है 5 रुपये। सरकारी पर्ची है 5 रुपये भाई, बस महीने की नहीं, रोज लगती है 5 रुपये, रोज 5 रुपये नगर पालिका है। नगर पालिका, चलिए ठीक। और भैया कैसे हैं? सब बढ़िया, सब बढ़िया। क्या रेट चला रहे हैं आलू? 15। बात की जाए यहाँ पे टमाटर वगैरह नहीं बेच रहे? नहीं। क्यों? महंगा है इसलिए? नहीं, हम बेचते ही नहीं। अच्छा, आलू आलू का ही व्यापार? आलू ही आलू का व्यापार। अच्छा,
अभी आलू ठीक ठाक रेट चल रहा है आपका, ये 15 या डाउन है? ठीक है नॉर्मल है। हाँ सभी लोग खरीद सकते हैं आराम से? आराम से गरीब भी खरीद सकता है। अच्छा हम लोग चुनावी चर्चा कर रहे हैं तो इसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे, डबरा की स्थिति के बारे में जानकारी। डबरा में ठीक ठाक विकास हो रहा है? ठीक ठीक है, कीचड़ वगैरह हो रही है, ये रोड है, रोड वगैरह खुदी डली है, कीचड़ के कारण ग्राहक नहीं आ पाता कस्टमर वगैरह। कितने आलू के पैकेट बेच लेते हैं आप? एक 10 ठीक ठाक हो जाता आपका गुजारा है? हाँ जी। अच्छा बात की जाए, यहाँ पे चुनावी माहौल है तो किसकी हवा लग रही है आपको? पता नहीं है, पता नहीं है, पता नहीं अभी आपको। अच्छा यहाँ के विधायक वगैरह आते हैं मार्केट का राउंड लगाने? नहीं 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 आते। अच्छा ये चीज़ और बताइए, जैसे बात की जाए यहाँ की महंगाई के बारे में, तो लोगों का मानना है सब्जी बहुत महंगी है। महंगी है वो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, जैसे माल जाना आया था तो मध्या भी हो जाता माल। टमाटर के बारे में क्या कहेंगे? जो चीज़ हम बेचते हैं उसका क्या नहीं, वैसे आम जनता तो हैं आप, टमाटर की सब्जी तो बनती होगी घर में? वही चल रहा है टमाटर 120-100 रुपये किलो। अच्छा 120-100 रुपये किलो। एक दिन वो भी था जब टमाटर 10 रुपये किलो 8 रुपये किलो मिलता है, और अब इतना महंगा हो गया, तो जनता कम खरीद रही है क्या? वो जनता से पूछो आप। अच्छा, क्या करे जनता, क्या करेगी? अच्छा आप ये आलू खरीद कर लाते हैं, खुद के थे आपके? हाँ व्यापारी से ले गया। व्यापारी से ले जाते हैं? अच्छा कहाँ से? डबरा से? डबरी से ले। अच्छा डबरा सब्जी मंडी? सब्जी मंडी डबरा। अच्छा तो मामा जी के लाडली बहना योजना वाले 1000 रुपये आ रहे हैं घर में? हमको कुछ पता नहीं है, अभी देख ही नहीं है हमने खाता। अच्छा घर में देख नहीं, फॉर्म भरा था? फॉर्म नहीं भरा। नहीं भरा क्यों? समय नहीं मिल पाया है? हाँ टाइम नहीं मिल पाया। अच्छा टाइम नहीं मिल पाया। चलिए क्या नाम है आपका? क्या नाम क्या है? बंटी। अच्छा क्या क्या सब्जी बेच रहे हैं? सब्जी का जी लगी तो भाई तोरई है, अदरक है, और बैगन है, खीरा है। सबसे महंगा क्या है इसमें? अदरक ही है। क्या कुछ महंगा नहीं अदरक? हाँ। मिर्च का है सब दे रहे हैं 60 रुपये किलो। 60। और बैगन वगैरह ये सब सस्ते हो गए हैं? सस्ते 20 रुपये किलो। टमाटर नहीं बेच रहे? टमाटर में बैंड बज रही, क्या करें है? टमाटर बहुत मद्दा चल गया। अच्छा मद्दा चल रहा है टमाटर? कितना मद्दा है? बहुत मद्दा चल गया। अच्छा बता तो 180 रुपये 200 रुपये किलो। अच्छा कितना मद्दा है टमाटर? अब इतना मद्दा है इससे ज़्यादा क्या बताएं। अच्छा तो कितने की आमदनी? ठीक ठाक हो जाती है, गुजारा चल रहा है? ठीक है यार। जो चुनावी माहौल क्या है यहाँ का? चुनावी माहौल वो तो भाई साहब नहीं तो ही बता पाएंगे अपन, कुछ नहीं बता पाएंगे। आप तो आम जनता है ना? आम जनता क्या करे, हवा किसान है। हवा किसकी चल रही है? हवा तो बस, हवा कहाँ चल रही है यार, हवा इतनी चल रही है। हवा की हवा नहीं किसान है, हवा इतनी चल रही। महंगाई की बात की जाए, महंगाई है तो भाई बहुत है, बहुत गरीब किस चीज़ में मर जाता है? किस चीज़ में महंगाई है? महंगाई सब चीज़ में महंगाई भैया।